everyone, welcome to my classes Primary Learning with Kusum. Today we are doing second part of addition up to 5 digit. हम first part कर चुके हैं, हमने उसमें addition करना सीखा है 5 digit number तक, उसका link मैं ऊपर दे दूंगी, आप वहां से first part देख सकते हैं. आज हम second part कर रहे हैं जिसमें हम word problems कर रहे हैं. The saving of Preeti for 2 years. 2 साल के लिए प्रीति की savings थी. First year थी 68,750 एंड सेकेंड ईयर थी 29,950 रिस्पेक्टिवली. फाइंड हर टोटल सेविंग्स. अब देखिए, सेविंग्स तो प्रीति ने ही की है, एक सेविंग्स उसने पहले साल करी है, दूसरी जो सेविंग्स दी हुई है उसे दूसरे साल की है. मतलब दोनों साल की टोटल सेविंग पूछी है हमसे कितने हुई है. मान लीजिए हमने पहले दिन 10 टॉफीज खरीद ली, सेकेंड डेज हमने 10 टॉफी खरीद ली, आपने दोनों दिन कितनी टॉफीज खरीदी? 10 + 10 इक्वल टू 20. वैसे ही हमने दोनों सालों का उसका टोटल जो उसने सेव किया है वो निकालना है. देखिए, अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना सेव किया था? 68,750 रुपीज. ओके, अमाउंट सेव्ड इन सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट सेव किया था? 29,950 रुपीज. अब ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, टोटल सेविंग कितनी हुई उसकी दोनों सालों की? टोटल सेविंग, टोटल सेव्ड बाय प्रीति, प्रीति के द्वारा टोटल सेविंग कितनी हुई? हम इसे ऐड कर देंगे, हम ऊपर डिजिट्स, हम ऊपर प्लेसेस लगा लें. ये कौन सी प्लेस है? वंस की प्लेस. ये टेंथ की प्लेस. ये कौन सी है? ये है हंड्रेड की प्लेस. ये है थाउजेंड की प्लेस और ये 10,000 की प्लेस. ओके, अब हम इसे ऐड करते हैं. 0 + 0 हमें पता है 0 + 0 क्या होता है? 0. 5 + 5 इट्स 10. 10 की 0 ऊपर कैरी चली गई 1. 7 + 9 इट्स 16 + 1 क्योंकि कैरी फॉरवर्ड आया था ना, +1 तो क्या बन गया? 17. नेक्स्ट इज 9 + 8 इज 17 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया ऊपर. अब आगे देखिए, हम 1000 की प्लेस को ऐड करेंगे. 8 + 9 इट्स 17 + 1 कैरी फॉरवर्ड वाला इट्स 18. फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया. 6 + 2 इज 8 एंड +1 जो कैरी फॉरवर्ड आया था इट्स 9. तो टोटल सेविंग कितनी होगी? 98,700. कितनी हुई? 98,700. ओके, पहले क्या करते हैं एडिशन में, सिंपल सी चीज है. पहले वंस को ऐड किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड आता है तो टेंस पर चला जाता है. फिर टेंस को ऐड किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड आता है तो वो हंड्रेड पर चला जाता है. फिर हंड्रेड की प्लेस को ऐड किया जाता है, अगर कैरी फॉरवर्ड आता है तो वो थाउजेंड पर चला जाता है. फिर थाउजेंड की प्लेस को ऐड किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड आता है तो वो 10,000 की प्लेस पर चला जाता है. ओके ओके, आप आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी. हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है. रमन सोल्ड 21,022 पिंक काइट्स, 11,998 रेड काइट्स, 31,363 व्हाइट काइट्स इन वन डे. ये बोल रहा है रमन ने एक दिन में इतनी इतनी काइट्स बेच दी, पिंक कलर की, रेड कलर की और व्हाइट कलर की. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड, उसने कितनी काइट बेची. ओके, हम राइट डाउन करते हैं नंबर ऑफ पिंक काइट्स. पहले हमारे पास पिंक काइट्स है ना, पिंक काइट्स सोल्ड, कितनी सोल्ड की उसने पिंक काइट्स? 21,022. नंबर ऑफ रेड काइट्स सोल्ड, रेड काइट्स कितनी सोल्ड हुई? 31,363. ये व्हाइट वाली काइट से मैंने गलती से ऊपर लिख दिया, व्हाइट काइट सोल्ड इतनी हुई. नंबर ऑफ रेड काइट्स, रेड काइट्स कितनी थी हमारे पास? 11998.
ओके, टोटल सोल्ड निकालनी है हमें, टोटल नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड, टोटल कितनी काइट उसने सोल्ड की। देखिए हमने कॉलम्स में लगा लिया, हम इनके ऊपर प्लेसेस लिख देते हैं, वंस का, थाउजेंड, टेंस का, थाउजेंड का, सॉरी वंस का, टेंस का, हंड्रेड का, थाउजेंड का, रेट्स 10,000। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 इज 30, 13 का 3 ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 9 इट्स 17, 1 कैरी फॉरवर्ड था इट्स 18, प्लस 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड चला गया एक, 3 प्लस 9 12, ऊपर 1 कैरी फॉरवर्ड था इट्स 13, फिर से कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 2, प्लस 1 3 और +1 कैरी फॉरवर्ड वाला 4, ऊपर कोई कैरी नहीं गई, 2 प्लस 3 इट्स 5, 5 प्लस 1 इज 6। तो हमारे पास कितनी आई टोटल काइट्स, 64,383। यहाँ कोमा लग गया, ठीक है, ओके, यहाँ हमारा एडिशन अप टू 5 डिजिट फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ओके, थैंक यू एवरीवन।